आइए बात करेंगे इंडिया श्रीलंका संबंधों की। भारत की वित्त मंत्री यात्रा पर है श्रीलंका किस समय, तो इंडिया श्रीलंका संबंध निर्मला जी यात्रा पर गई हुई है श्रीलंका। हालांकि यात्रा पर जो गई है ये तो एक सिंबॉलिक यात्रा है, लेकिन जो 3-4 महीने में कुछ हुआ है श्रीलंका भारत के बीच, सबकी चर्चा मैं करूंगा आपके साथ। इंडिया श्रीलंका संबंधों को देखिए, श्रीलंका के मैं नए संबंधों की बात करूं, पुराने संबंध जो थे वो ठीक है। खासकर 2009 के बाद, अगर मैं ब्रीफ कर दूं स्पीड में आपके लिए यहाँ पर तो अच्छा रहेगा, 2009 के बाद संबंध किस प्रकार के हैं। 9 बेंचमार्क ये इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ लिट्टे वॉर खत्म हो गया था, आतंकवादी संगठन लिट्टे खत्म हो चुका था यहाँ पर। यहाँ पर तमिल नाराज थे श्रीलंका सरकार से, तमिल वर्सेज श्रीलंका के जो सिहलीज हैं, जो सिहलीज जो मुख्य आबादी है, मेजोरिटी है यहाँ का, इनमें विवाद था। लिट्टे सपोर्ट करता तमिलों को, लिट्टे खत्म हो गया, आतंकवादी पक्ष खत्म हो गया, लेकिन ये जो दो समूह हैं मिल नहीं पाए, मेल मिलाप अभी हुआ नहीं इनके अंदर, रिकंसिलेशन कभी हुआ नहीं, तो मेल मिलाप नहीं हुआ इनके बीच कभी, रिकंसिलेशन नहीं हुआ इनके बीच, एक तनाव स्ट्रेस हमेशा रहता है, इनकी पॉलिटिकल पार्टीज में तनाव बना रहता है, ये बना हुआ था। इसके अलावा जो तमिल आबादी है उनको आपको रीसेटल करना था, दोबारा पुनर्वास करना था, क्योंकि वॉर में ये काफ़ी मुश्किलों में आ गए थे, इनको रीसेटल करना था इनके इलाकों में, क्योंकि सेना ने इनके इलाकों से निकाल दिया था इनको वॉर के समय। तो लिट्टे वॉर जब खत्म हुआ तब कई समस्याएं थी, एक तो संदेश बटा हुआ था दो भागों में एक प्रकार से, तमिल बनाम सिहलीज में समुदायों में, दूसरा जो तमिल थे उनका बड़ी संख्या में, खासकर जो उत्तरी तमिल थे, उत्तरी और ईस्टर्न तमिल जो रहते हैं यहाँ पर, उनका रीसेटल करना था, क्योंकि इस वॉर के दौरान उनको हटा दिया गया था गाँव से, घर खाली करा दिए गए थे उनको, उनका पुनर्वास करना था। तो ये कुछ मुद्दे थे यहाँ पर। और 2009 के बाद हम देखते हैं श्रीलंका की आर्थिक हालात भी खराब हो गए थे वॉर लड़ते लड़ते, तो श्रीलंका को इकोनॉमिक रूप से पैसा भी चाहिए था वॉर लड़ने के, वॉर के बाद अपने आप को रिस्टोर करने के लिए, अपने आप को पुनर्स्थापित करने के लिए पैसा चाहिए था। तो कई स्तर पर संकट था श्रीलंका में, श्रीलंका ने भारत से मदद मांगी, तो भारत ने कहा तमिलों को अधिकार दीजिए। उस समय श्रीलंका की सरकारों ने, खासकर राजपक्षे परिवार जो था सत्ता में था, महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति हुआ करते थे उस समय, 2009 से लगभग वो मुझे कहना चाहिए 15 तक राष्ट्रपति रहे, हालांकि 2006 में बने थे राष्ट्रपति, वो 6 से 15 तक राष्ट्रपति रहे, और फिर 2019 के बाद उनके भाई जो गोटाबाया राजपक्षे थे वो राष्ट्रपति रहे। तो कभी हम देखें अगर 2006 के बाद से 2023 के बीच का शासन देखें यहाँ पर श्रीलंका को, तो बांट सकते हैं 2006 से लेकर 15 तक की राजनीति वहाँ की एक, 2015 से 19 तक की राजनीति एक, और 2019 से लेकर 23 तक का कार्यकाल मैं कहूँगा पर्टिकुलर तीन भागों में देखें। तो यहाँ पर राजपक्षे परिवार था सत्ता में, खुद महिंद्रा राजपक्षे राष्ट्रपति थे, उनके भाई रक्षा मंत्री थे देश के, तो ये राजपक्षे का एरा था, इसी में वॉर हुआ, इसी में लिट्टे की हार हुई इस वॉर में, और राजपक्षे ने भारत से मदद मांगी, भारत ने कहा तमिलों को समर्थन दीजिए, तो राजपक्षे का झुकाव बढ़ गया चीन की तरफ, चीन ने यहाँ पैसा लगाया बहुत ज़्यादा, हम्बन टोटा बंदरगाह बनाया यहाँ पर, चीन ने पैसा लगाया इस देश के अंदर, उधार दिया चीन ने इस देश को, चीन का दबदबा यहाँ बढ़ने लगा, भारत दूर हो गया श्रीलंका की राजनीति से, भारत श्रीलंका संबंध खराब होने लगे, बात कही जाए तो अपने आप में नहीं है, क्योंकि भारत मांग कर रहा था तमिलों को अधिकार दिए जाएं, तमिलों को आप पावर दीजिए, श्रीलंका सरकार देने का तैयार नहीं थी, और श्रीलंका सरकार झुकाव रखती थी कहाँ पर, चीन के प्रति, तो चीन का दबदबा बढ़ रहा था यहाँ पर। तो 2009 के बाद देखते हैं हम 15 तक, चीन ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, चीन का दबदबा बढ़ने लगा यहाँ पर, चीन ने उधार दिया इस देश को बड़े स्केल पर, हम्बन टोटा पोर्ट से लेकर कई परियोजनाएं, कोलंबो बंदरगाह, हम्बन टोटा बंदरगाह, कई परियोजना चीन ने यहाँ पर लॉन्च की, ठीक है। 2015 फिर चुनाव हुए जहाँ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति की हार हुई और महिपाल सिरिसेना राष्ट्रपति बने, यहाँ पर जो उदारवादी गवर्नमेंट आ गई, भारत के पक्ष वाली गवर्नमेंट आ गई, तो महिपाला सिरिसेना राष्ट्रपति बनते हैं यहाँ पर, ये तमिल पार्टियों के समर्थन से राष्ट्रपति बने थे, तो खुद सिहली थे लेकिन तमिल पार्टियों का समर्थन था इनके पास, तो सॉफ्ट रवैया था तमिलों के प्रति इनका एक यहाँ पर, तो मेल मिलाप पे ध्यान दिया, भारत की बात सुनी, संबंध अच्छे किए, चीन और भारत को संतुलित करने का प्रयास किया महिपाल सिरिसेना ने। तो ये जो 5 साल रहे 15 से 19 के, इन्होंने क्या किया, एक प्रकार से चीन और भारत को संतुलित किया अपने देश के अंदर, तमिलों को अधिकार देने की बात कही, काफ़ी कुछ प्रयास सुधार के किए इन्होंने यहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं, ये कुछ कर पाते, स्ट्रॉन्ग कर पाते देश को, उससे पहले चुनाव हार गए, फिर 19 में जब इलेक्शन हुआ तो दोबारा राजपक्ष सत्ता में आ गए, राजपक्ष सत्ता में आए इस बार 19 से लेकर 22 तक सत्ता में रहे 3 साल ये लोग, इस दौरान देश की आर्थिक हालत खराब होते चले गए। 19 से 22 में क्या क्या हुआ घटनाक्रम देख लीजिए एक बार, ये क्लियर है यहाँ तक बातें, 19 से 22 के बीच में इस देश में क्या क्या हुआ, वॉर तो चला था पहले, तो वॉर के इकोनॉमिक नुकसान तो था ही था इनके पास, आर्थिक क्षति तो उनको हुई थी, अभी तक आर्थिक संभल नहीं पाया था देश कहीं ना कहीं रूप से ही देखा जाए तो। उसके बाद श्रीलंका की मुख्य इकोनॉमिक आधार होता है टूरिज्म,
और जैसे कोरोना चालू हुआ 2020 में यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री पैक हो गई बरकरार था, टूरिज्म खत्म हो गया यहाँ का श्रीलंका का, और टूरिज्म खत्म होते ही यहाँ की जो आय का साधन होता है इनकी वो खत्म हो गया, टूरिज्म खत्म हो गया यहाँ पर कोरोना काल में। उसके बाद सरकारी जो फैसले थे काफ़ी हद तक वो इस प्रकार के थे जो नुकसान पहुंचा रहे थे, जैसे सरकार ने कहा कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करेंगे खेती के अंदर तो खेती नष्ट हो गई पूरी यहाँ पर, चाय का उत्पादन खत्म हो गया यहाँ पर। तो सरकारी फैसले विशेषकर केमिकल रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बंद करना, रासायनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग बंद करना, इसको बंद किया गया, केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग बंद किया गया, इसको लेकर काफ़ी नुकसान हुआ इनको, ऐसे कुछ और फैसले थे। उसके बाद चाइना का डेप्ट लगातार बढ़ रहा था, चीन का उधार बढ़ रहा था लगातार यहाँ पर, और चूंकि ये चीन के फेवर में जा चुका था देश ये श्रीलंका, इसीलिए पश्चिमी देशों ने मदद करने से मना कर दिया था इसकी, यानी इसको कोई IMF का या वर्ल्ड बैंक का लोन नहीं मिल रहा था क्योंकि चीन के पक्ष में जा चुका था। तो संकट काफ़ी गहराता गया इन लोगों का, संकट काफ़ी गहराता गया। फाइनली 2022 में हालत ये हो गई कि देश का विदेशी मुद्रा बिल्कुल नहीं बची, आपने देखा ही लास्ट ईयर क्या हुआ श्रीलंका में, साल के जनवरी से क्या हो रहा था श्रीलंका में, जो उठापटक हमने देखी श्रीलंका के अंदर पूरे साल भर में। तो फाइनली 2023 में आते आते श्रीलंका में क्रांति हो गई शॉर्ट ऑफ अपने आप में, और तख्ता पलट कर दिया गया वहाँ के राष्ट्रपति का, तख्ता पलटी कहूँगा उस प्रकार से, सिविलियन एक रिवॉल्यूशन हुआ यहाँ पर, और राष्ट्रपति को देश छोड़ के भागना पड़ा, प्रधानमंत्री को हटना पड़ा, राजपक्षे परिवार खत्म हो गया कुल मिलाकर। राजपक्षे के खत्म होने के बाद सत्ता में आए विक्रमा सिंघे राष्ट्रपति हैं राइट नाउ देश के, फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं एक प्रकार से देश के कहा जाए तो, अपने देश को आर्थिक संकट से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति रानिल विक्रमा सिंघे की बात करें, इकोनॉमिस्ट भी हैं, पहले विदेश मंत्री, पहले ये इकोनॉमी मिनिस्टर रह चुके हैं देश के, आर्थिक मंत्री रह चुके हैं, अब दोबारा आर्थिक मंत्री भी और राष्ट्रपति भी है देश के 2023 के बाद से। चलिए अब आते हैं श्रीलंका को, सामने आ गया कि संकट का मुख्य वजह क्या थी, चाइना का डेप्ट ट्रैप, चीन के कारण इनको वर्ल्ड बैंक से पैसा नहीं मिल रहा था, इनकी पॉलिसीज, तो इनको लगा कि रिकवरी करने की जरूरत है, भारत से मदद मांगे जाए। श्रीलंका के संकट के समय भारत ने मदद की काफ़ी, 2023 में श्रीलंका में संकट आया तो भारत ने मदद की श्रीलंका की, काफ़ी बड़े स्केल पर विशेषकर $4 अरब की सहायता दी भारत ने श्रीलंका को, तो एक बड़ी सहायता है भारत के लिए भी और श्रीलंका के लिए भी ऑफकोर्स, ये तो बड़ी सहायता दी गई भारत की ओर से $4 अरब की यहाँ पर, कई फॉर्म में था, फ्यूल दिया गया, सस्ता ईंधन दिया गया, खाने को दिया गया, पैसा दिया गया, जो उधार लेना था श्रीलंका से वो माफ़ कर दिया हमने, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया इनके यहाँ पर, तो काफ़ी परियोजना लगाई हैं, $4 अरब भारत ने माफ़ किया है या ऋण दिया है या सहायता की है, अनुदान दिया है श्रीलंका को, तो $4 अरब का पैसा गया है यहाँ से। विक्रमासिंघे इस बात को जानते हैं कि इंडिया इंपॉर्टेंट है, ना केवल भारत ने डायरेक्ट सहायता की, प्रत्यक्ष सहायता की श्रीलंका की, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली मैं कहूँ भारत ने मदद की IMF में जाकर इनकी, IMF से कहा कि श्रीलंका संकट में, इसको पैसा उधार दीजिए आप, और भारत के कहने पर, भारतीय गारंटी पर शॉर्ट ऑफ पेपर से IMF ने श्रीलंका के साथ एक पैकेज का अनुबंध किया, जिसके तहत $3.3 बिलियन के आसपास राशि दी जाएगी, कुल मिलाकर अभी छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि अमाउंट बहुत सारे फेज में आएगा, कुल मिलाकर एक बड़ी राशि देने की बात कही IMF ने, पैकेज देने की बात कही श्रीलंका को। याद रखिए UPSC ने क्वेश्चन पूछा था लास्ट ईयर इस पर, ये जो पैकेज दिया गया श्रीलंका को एक्सटेंडेड फैसिलिटीज कहते हैं हम लोग, EEF यहाँ पर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF के तहत दिया गया, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड या विस्तारित कोष सुविधा कहते हैं, विस्तारित कोष सुविधा या एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत IMF ने फंड दिया श्रीलंका को, भारत ने कहा दे दीजिए, गरीब देश है, संकट में है, तो विस्तारित कोष सुविधा के तहत, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत ये फंड दिया गया है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत ये फंड दिया गया श्रीलंका को। चलिए तो भारत ने मदद की श्रीलंका की IMF में जाकर भी, लेकिन IMF चाहता है कि केवल भारत ही नहीं, श्रीलंका को उधार देने वाले बाकी जो देश हैं, जो मुख्य उधारकर्ता हैं श्रीलंका के, भारत एक उधारकर्ता है, श्रीलंका को पैसा देता है श्रीलंका को, ये चाइना देता है पैसा श्रीलंका को बड़े स्केल पर, और यहाँ से जापान से पैसा आता है श्रीलंका के अंदर, तो तीन बड़े उधारकर्ता देश हैं जापान श्रीलंका के, JCI, जापान, चाइना, इंडिया, ये तीनों लिख के दें कि हम मदद करेंगे श्रीलंका की, तब IMF पैसे जारी करेगा, यानी कि IMF का पैसा प्राप्त करने के लिए इन तीनों की सहमति आवश्यक है श्रीलंका को। क्यों, यहाँ पर एक बात सुन लीजिए, क्यों आवश्यक है श्रीलंका को सहमति, मान लीजिए IMF पैकेज दिया आपको $3 अरब का, ठीक है, लौटाना है भारत को $4 अरब, आपको भारत लेके चला गया पैसा पूरे, तो क्या करोगे आप, तो ज़रूरी भारत बोले कि नहीं लेंगे हम $4 अरब, आप दीजिए IMF पैसा इसको, हमारा उधार भी हम 10 साल बाद मांगेंगे इससे, ऐसा नहीं कि IMF पैसा दे देश को अभी तुरंत और चीन लेके चला जाए सारा उधार अपना वापस, तो ये लिख के दे चीन कि आप पैसा दीजिए श्रीलंका को, आप
हम तक 10 साल तक नहीं लेंगे श्रीलंका से पैसा अपना। तो ये लिख के देना पड़ेगा तीनों देशों को, तब श्रीलंका उधार मिलेगा IMF से। तो तीनों देशों ने लिख के दिया श्रीलंका के लिए फेवर में IMF में ये, और तब उधार मिला है श्रीलंका को। यहाँ पर क्लियर बात ये, तो तीनों देशों का समर्थन जरूरी है। जापान इंडिया के साथ चलता मुश्किल नहीं है, लेकिन चाइना ऑफकोर्स, तो चाइना का संबंध जरूरी थे यहाँ पर। तो चीन के संबंध अभी बने हुए हैं श्रीलंका के साथ। क्लियर है पक्ष यहाँ तक, ये है निकालने का, रिकवरी का पक्ष। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट बात हुई वो है इस साल की यात्रा। 21 जुलाई 2023 रानिल विक्रमासिंघे भारत की यात्रा पे आते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति विक्रमासिंघे इंडिया आते हैं, और यहाँ जारी होता है विजन डॉक्यूमेंट दोनों देशों का, एक ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमी इन ट्रेड, इकोनॉमी विजन डॉक्यूमेंट ऑन इकोनॉमी इन ट्रेड, अर्थव्यवस्था और व्यापार पर एक विजन डॉक्यूमेंट जारी करते हैं दोनों देश मिलकर। 21 जुलाई को पीएम साहब मोदी साहब ने और विक्रमासिंघे ने, भारत आए थे विक्रमासिंघे उस समय, इन दोनों ने मिलकर जारी किया, एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। काम की बात सुन लीजिए कि ये संबंधों को नया पक्ष दे रहा है। 2023 का ये विजन डॉक्यूमेंट भारत श्रीलंका संबंधों को एक नया आयाम दे रहा है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है काफ़ी अपने आप में, कई बातें इसमें कही गई हैं। एक छोटा सा स्पीच है पीएम साहब का जो उन्होंने दिया था डॉक्यूमेंट के दौरान, मैं चाहूँगा सुन लीजिए, क्योंकि अब जो भी काम होगा, निर्मला जी जा रही हैं, या भी कुछ नाव सेवा शुरू हो गई नागापट्टनम से, वहाँ पर आप देखेंगे कई घटनाएं हुई हैं पिछले एक महीने के अंदर यहाँ पर, वो सारी घटनाएं जुड़ती हैं इसी डॉक्यूमेंट से आकर। इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या है वो पांच मिनट की स्पीच है पीएम साहब की, एक बार की पॉइंट में रिवाइज कर लें क्या क्या उन्होंने कहा जो कीवर्ड में लिखे हैं आपके लिए, नोट डाउन करते आइएगा। पहली बात तो उन्होंने कहा कि भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी अपनी और सागर पॉलिसी, दोनों का नाम इंपॉइंट है, भारत की विदेश नीति के इंपॉइंट पिलर हैं दोनों, नेबरहुड फर्स्ट और सागर। नेबरहुड फर्स्ट के तहत प्रांतीय दिशा बांग्लादेश संबंध बताया था मैंने आपको, नेबरहुड फर्स्ट की बात कि जिस प्रकार हम लोग अपने पड़ोसी को पहले मानते हैं हमेशा, और सागर रणनीति भारत सरकार की, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सबके लिए सुरक्षा सबके लिए समृद्धि, जो हिंद महासागर के देश है सबको सुरक्षा समृद्धि देनी है। तो नेबरहुड फर्स्ट और सागर बहुत काम के वर्ड है, श्रीलंका इसका इंपॉर्टेंट पिलर है, हिंद महासागर देश इंपॉर्टेंट पिलर श्रीलंका इसका। उन्होंने जो बात कही बहुत अच्छी बात कही यहाँ पर कि श्रीलंका सरकार को भारत की सुरक्षा और संविधान का ध्यान रखना होगा। आप चीनी जो समरीन आती रहती हैं यहाँ पर, चीनी पनडुब्बी आती रहती हैं यहाँ पर, ध्यान रखिए भारत की सुरक्षा खतरे में ना आए। तो क्लियर उन्होंने मैसेज दिया यहाँ पर कि भारत की सुरक्षा और संविधान का ध्यान रखें श्रीलंका, या दोनों देश के दूसरे का ध्यान रखें यहाँ पर, कोई ऐसा काम ना करें जिससे दोनों देशों का विकास प्रभावित हो या फिर सुरक्षा हित प्रभावित हो। तो दोनों देश एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखें, संवेदना को ध्यान रखें। जो इश्यूज हमको होते हैं कि सबमरीन आपके पास आ रही है या चाइनीज जहाज आपके बंदरगाहों पर आ रहे हैं, हमारी चिंता है उसमें, तो हम नहीं चाहते ऐसा हो, ध्यान रखें आप। तीसरा पॉइंट, उन्होंने कहा कि एक विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रहे हैं हम लोग, एक घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं जो व्यापार को लेकर है और पार्टनरशिप, पता है मेरा उसका नाम विजन डॉक्यूमेंट ऑन इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसके अलावा उन्होंने चार बातों को कनेक्टिविटी की बात कही, इसको मैंने ई मैप नाम दिया था पहले भी, ई मैप क्या है ये, उन्होंने कहा कि हमें चार चीज़ों पर काम करना है। उन्होंने कहा मैरी टाइम, यानी एम फॉर है समुद्री मैरीन कनेक्टिविटी, ए फॉर एयर कनेक्टिविटी है यहाँ पर, एम पी फॉर है पीपल टू पीपल पार्टनरशिप, आपकी जनता जनता की भागीदारी यहाँ पर, और ई का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी या बिजली की आपूर्ति यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक ग्रिड, समुद्री ग्रिड, एयर कनेक्टिविटी और जनता जनता की भागीदारी, तो चार प्रकार कनेक्टिविटी की बात हो रही है यहाँ पर। ई मैप नाम दिया था मैंने उस समय, से मुझे याद है, ई का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, एम का मतलब है मैरीन या समुद्री पर जुड़ाव, एयर कनेक्टिविटी, और पी का मतलब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, यहाँ पर जनता जनता का संवाद हो, लोगों की आवाजाही आसान हो। कुल मिलाकर ये एक जोड़ने की बात है, ये जोड़ना केवल आपको समुद्री मार्ग को नहीं, वायु मार्ग को भी जोड़ना है, और आगे जाके देखेंगे तो बोलते हैं ये लैंड ब्रिज बनाएंगे, रामेश्वरम जो हमारा जगह है धनुषकोड़ी से लेकर, या वहाँ पर आपका जो कौन सा इलाका है मन्नार की खाड़ी का, तलाई मन्नार का इलाका है, वहाँ पर जो ऑलरेडी बना हुआ एडम्स ब्रिज बना हुआ है, जो आपका सेतु समुद्रम राम समुद्रम बना हुआ है, उस पर अगर प्रयास होता है कि कोई समुद्री ब्रिज बन सकता है उसके ऊपर 2-4 किलोमीटर का, जिससे लोगों का आना जाना आसान हो सके। तो कनेक्टिविटी की बात बार बार कर रहे हैं वो, मैरीन कनेक्टिविटी की बात उन्होंने फिर से यहाँ पर कही कि हम लोग प्रयास करेंगे वायु संपर्क बहाल करें, फेरी सर्विस पीपल टू पीपल जोड़ने के लिए क्या कर रहा है हमको, जनता जनता को जोड़ने के लिए नाव सेवा चालू करनी है, जो जगह का नाम पता है नागापट्टनम तमिलनाडु से केटी के कनकेश्वर थुराई जो श्रीलंका में आता है, बात करता हूँ उस न्यूज़ पर दोबारा मैं आपके साथ, तो फेरी सर्विस लॉन्च की जाएगी, जहाज सेवा शुरू की जाएगी, पानी के जहाज चलाए जाएंगे। इसके अलावा ग्रिड, भारत की जो पावर ग्रिड है उसको जोड़ा जाएगा श्रीलंका की पावर ग्रिड के साथ, जिससे बिजली मिलना आसान हो सके। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी कई प्रकार की हो रही है, समुद्री कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, लैंड कनेक्टिविटी, साथ ही साथ बिजली कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर वो,
कनेक्टिविटी की बात हो रही है, पेट्रोल पाइपलाइन की फिजिबिलिटी स्टडी की जाएगी, पेट्रोल पाइपलाइन को अध्ययन किया जाएगा, संभव है क्या पेट्रोल पाइपलाइन दोनों देशों के बीच में, तो पेट्रोल पाइपलाइन का फिजिबिलिटी चेक करेंगे हम लोग यहाँ पर, उसका नाम उन्होंने कहा। इसके अलावा उन्होंने कहा लैंड ब्रिज बनाएंगे, यूपीआई प्रारंभ हुआ है श्रीलंका के अंदर, यूपीआई का यूज़ करना प्रारंभ किया गया है, इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर। इसके अलावा कई क्षेत्र हैं, ट्रेड की बात की उन्होंने, एजुकेशन की बात की, स्किल डेवलपमेंट की बात की उन्होंने, कहा कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बात की, और बातें भी कहीं जो सहयोग करेंगे दूसरे का हम लोग। दोनों देश चालू करेंगे मुक्त व्यापार वार्ता ETCA को, अभी होता नहीं है फ्री ट्रेड, होना चालू होना चाहिए, इसके लिए फ्री ट्रेड की वार्ता होगी, इसका नाम होगा ETCA। निर्मला जी गई हैं इसी काम के लिए, निर्मला जी श्रीलंका गई हैं इसी काम के लिए, ETCA की बातचीत को शुरू करने के लिए। उन्होंने कहा जल्द शुरू की जाएंगी, जुलाई में कहा था, नवंबर में आके बातचीत शुरू हो गई। ETCA इकोनॉमिक ट्रेड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट, आर्थिक व्यापार सहयोग समझौता है शॉर्ट ऑफ ये, इकोनॉमिक एंड ट्रेड कॉरपोरेशन एग्रीमेंट, आर्थिक एवं व्यापार सहयोग समझौता ETCA। तो इसके साथ श्रीलंका से बातचीत शुरू हो गई ETCA पर, कुल मिलाकर फ्री ट्रेड डायलॉग एक प्रकार से, एक प्रकार से भारत श्रीलंका के बीच फ्री ट्रेड डायलॉग का नाम है ETCA डायलॉग। तो आर्थिक सहयोग विकास सहयोग समझौता, आर्थिक एवं सहयोग व्यापार सहयोग समझौता ETCA नाम है इसका, ETCA। इस पर चर्चा शुरू हो गई भारत श्रीलंका के बीच में। इसके अलावा काम की बात है ग्रिड कनेक्टिविटी, पाइपलाइन, एयर कनेक्टिविटी, UPI, लैंड ब्रिज। याद रखिएगा भारत श्रीलंका संबंध साबित हुए 1948 में, तो आज़ादी के बाद संबंध स्थापित हुए थे हमारे, और 1948 को हो गए 75 ईयर इस साल, यानी कि आज़ादी के बाद तो भारत श्रीलंका संबंध है उसके 75 ईयर मना रहे हैं हम लोग। तो भारत श्रीलंका संबंधों के 75 ईयर मना रहे हैं हम लोग यहाँ पर 1948 से 2023 के बीच। याद रखिए भारतीय जो अंग्रेज थे जब यहाँ से, तो अंग्रेज भारतीय लोगों को ले गए थे काम करने के लिए वहाँ चाय बागानों में 1823 में, तो दो साल पूरे हो रहे उस घटना के। 1823 में पहली बार भारत से तमिल समुदाय के लोग अंग्रेज ले गए थे चाय बागानों में काम कराने के लिए वहाँ पर। तो इन तमिलों को 200 साल हो गए वहाँ पर इस साल, तो ये भी चर्चा रहेगी। और इन तमिलों के कल्याण के लिए भारत सरकार देगी 75 करोड़ रुपीस इनके पुनर्वास के लिए, इनके प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पर, तो ये भी उन्होंने घोषणा की थी अपनी स्पीच में। इसके अलावा जो श्रीलंका का उत्तरी इलाका है जहाँ पर तमिल रहते हैं, या पूर्वी इलाका है जहाँ तमिल रहते हैं, उनके लिए सरकार खर्च करिए परियोजना बनाएगी यहाँ पर, ये भी उन्होंने कहा अपनी बातों में। मछुआरों के बाद हम लोग बात कर चुके दिनों पहले, मछुआरे बात पर ऑलरेडी काम कर रही हैं सरकारें, बात की थी मैंने आपसे, एक जॉइंट कमीशन तैयार किया सरकारों ने यहाँ पर। इसके अलावा तमिलों के वेलफेयर के लिए 13वां संविधान संशोधन लागू किया जाए, जिससे तमिलों को अधिकार मिल सकें। जो तमिल और सिंहली विवाद चल रहा है लंबे समय से, वो खत्म कब होगा? जब तमिलों को अधिकार मिलेंगे, बराबर का नागरिक माना जाएगा, चुनाव लड़ने का अधिकार होगा, वोट डालने का अधिकार होगा, उनकी भाषा में उनको पढ़ने का अधिकार होगा, उनको नौकरियां प्राप्त होंगी। तो 13वां संविधान संशोधन जो श्रीलंका में पास हो चुका है, उसे लागू किया जाए। पास हो चुका 87 में ही संविधान, लेकिन 35 साल हो गए लागू नहीं कर पाई सरकार वहां की, इसे लागू किया जाए, ये मांग है भारत की यहां पर लंबे समय से। हो पा रहे सारे पॉइंट? तो ये स्पीच थोड़ा काम की, याद रखिएगा काफी सारे पॉइंट इसके अंदर हैं, जिसमें से धीरे धीरे बातें इंप्लीमेंट होती रहेंगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं न्यूज पर, हटा दूं मैं सब बातों को। चलिए अब आते हैं वीडियो ब्लॉट के अपनी। ओके, इनकी यात्रा में क्या क्या हुआ सुनिएगा, कल जो भाई यहाँ से बात कर, इनकी यात्रा में क्या क्या हुआ है कल। तो यहाँ पर बात की इन्होंने राष्ट्रपति से वहाँ पर, और सारी बातें जो ग्रिड कनेक्टिविटी की बात की थी PM साहब ने, उसको बढ़ाने की बात, वायु परिवहन को बढ़ाने की बात, ऊर्जा को बढ़ाने की बात, यहाँ पर तेल उत्खनन को करने की बात। तो ऑयल एक्सप्लोरेशन टाउन ऑफ मन्नार, ये एक नया फैक्ट आ गया यहाँ पर आपके लिए। जो मन्नार का इलाका है वहाँ पर श्रीलंका में, उत्तर में आता है मन्नार का इलाका, वहाँ तेल उत्खनन के प्रयास किए जाएंगे, दोनों देश मिलकर तेल उत्खनन का काम करेंगे यहाँ पर। मन्नार कहाँ पर है मैप में? जस्ट यहाँ पर आता है मन्नार आपका, श्रीलंका मन्नार, तलाई मन्नार हमारी तरफ या मन्नार उस तरफ, धनुषकोड़ी के ठीक सामने मन्नार, रामेश्वरम के ठीक सामने मन्नार। तो मन्नार इलाके में तेल उत्खनन किया जाएगा। इसके अलावा जो बुद्धिस्ट जगह है वहाँ पर श्रीलंका में, जो बुद्धिस्ट साइट्स हैं, उनके रिनोवेशन के लिए भारत सरकार देगी $15 मिलियन का समझौता किया है कल। तो बुद्धिस्ट स्थलों के लिए, बौद्ध जुड़े धर्म जुड़े स्थलों के लिए भारत सरकार $15 मिलियन देगी। बौद्ध धर्म जुड़े स्थलों के लिए, जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ की, मोनेस्ट्रीज हैं वहाँ की, उनके विकास के लिए भारत सरकार $15 मिलियन देगी। कल ये बात आई है इसके अंदर, हो पाएगी बात यहाँ पर। इसके अलावा अब बताया मैंने आपको फंड मिल रहा है IMF से, तो EFF बताया मैंने इसके बारे में, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो भारत ने कहा कि वो मदद करेगा श्रीलंका की यहाँ पर निश्चित तौर पर। तो चाइना, इंडिया और जापान जो हैं
वो मदद कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे IMF से फंड मिल सके श्रीलंका को, कितना जो फंड मिलना है वो मिल सके EFF के तहत। चलिए, इसके अलावा कुछ और जोड़ना है हमको यहाँ पर, कुछ और जोड़ना है अभी राइट नाउ? ओके, बुद्धिस्ट साइट, ठीक है। भारत ने याद रखिए लगभग 4 अरब डॉलर की सहायता दी है श्रीलंका को पिछले एक साल के अंदर, अपने ऋण सहायता में देखा जाए, अनुदान देखा जाए, सहायता देखी जाए तो 4 अरब डॉलर दिया। इसके अलावा भारत सरकार ने कार्यक्रम लॉन्च किया है वहाँ पर, नाम 2000, ठीक है, सुन लीजिए, नाम 2000 200 साल पूरे हो गए हमारे श्रीलंका, हमारे तमिलों के गए हुए वहाँ पर, उस मौके पर ये आयोजित किया गया है नाम 200 NAAN नाम 200, तमिलों के 200 साल पूरा होने के मौके पर लॉन्च किया गया कार्यक्रम ये नाम 200। याद रखिए जो श्रीलंका में तमिल अभी गए हैं 2 साल पहले, उनको हम बोलते हैं आमतौर पे मलिहा तमिल्स, ये चाय बागानों में काम करने के अंग्रेज ले गए थे इनको यहाँ से। तमिल कई फेजेस में गए हैं श्रीलंका में, एक फेज़ ये था, एक फेज़ आप इंडिया में बहुत सारे फेज हम देखेंगे, एक फेज़ ये था, एक था वो राजा चोल के समय जब वहाँ पर आक्रमण किया गया श्रीलंका पर, तब यहाँ से तमिल गए थे, एक फेज़ आपका अंग्रेज ले गए थे तमिलों को यहाँ से, तो मलिहा तमिल कहते हैं इनको। कौन से लोग थे ये जो वहाँ चाय बागानों में काम करने के ले गए गए थे, प्लांटर्स के रूप में काम करने ले जाए गए थे यहाँ पर, ठीक है। 1823 के आसपास, 2 साल पूरे हो रहे हैं इनके लिए नाम 200 कार्यक्रम में भी पार्टिसिपेट किया कल निर्मला जी ने, हो भाई ये बात हमारी यहाँ पर। तो यात्रा काफ़ी अच्छी है अपने आप में, काफ़ी सारी बातें इसके अंदर मिल रही हैं आपको। चलिए, 10,000 घर बना दिए, ETCA की चर्चा शुरू हो गई फाइनली। तो यहाँ पर ETCA इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, टेक्नोलॉजी देख लीजिएगा एक बार, ट्रेड बोला था शायद पहले मैंने, तो आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौता इसका नाम है ETCA, आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौता ETCA पर भी चर्चा शुरू हो गई, ETCA पर चर्चा शुरू हो गई दोनों देशों के बीच में, आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौते पर बातचीत शुरू हो गई यहाँ पर, ठीक है। जो बात किया था PM साहब ने, चालू हो गया मामला यहाँ पर। चलिए, इसके अलावा याद रखिए कुछ दिनों पहले की बात, एक न्यूज़ आई थी हमारे पास 26 तारीख के आसपास कि दोनों देशों के बीच फेरी सर्विस चालू हो गई है, कहाँ लोकेशन क्या वो सुन लीजिए, दोनों देशों जहाज चालू हो चुके हैं यहाँ पर, किस किस लोकेशन के बीच, नागापट्टनम भारत में, नागापट्टनम तमिलनाडु में आता है ये, और श्रीलंका साइड है KTK या कनकेश्वरई, KTK बोलते हैं इसको, कनकेश्वरई, KKT कनकेश्वरई जगह है श्रीलंका में, उत्तरी श्रीलंका में आती है ये, तो कनकेश्वरई श्रीलंका में, KKD बोलते हैं शॉर्ट में, सो KKD पोर्ट, तो KKD पोर्ट और नागापट्टनम यहाँ पर इनके बीच क्या चालू हो गई है, यहाँ पर एक सीलिंग बना दी गई है, कुल मिला के जहाज चलेंगे आराम से यहाँ पर, लोग आएंगे जाएंगे, पैसेंजर सर्विस चलेंगी, तो फेरी सर्विस शुरू हो चुकी है यहाँ पर, KKD पोर्ट श्रीलंका में आता है, नागापट्टनम भारत में आता है, इनके बीच जो PM साहब ने बोला भी था कि हम लोग एयर कनेक्टिविटी करेंगे, मैरीटाइम कनेक्टिविटी करेंगे, उसमें प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया 15-10 दिन पहले लगभग आपका, हो पाएगा नाम याद, ये नागापट्टनम से KTK, मैप देख लीजिए कहाँ पर है ये हम बात कर रहे हैं, ये रहा आपका तो नागापट्टनम श्रीलंका भारत में, और कनकेश्वरई या KKD आपका श्रीलंका में, ये पोर्ट सर्विस चालू हो गई यहाँ पर, ये जहाज चलेंगे, इस प्रकार से लोग आ जा सकेंगे, हो पाएगा टॉपिक तैयार। तो ये चालू हो चुका है फेरी सर्विस, बाकी सेवा भी जल्दी चालू होंगी यहाँ पर।